हम लोग आ गए आपके बुक की तरफ बुक में देर इज हेडिंग दैट इज न्यूरो जेनरेटिव डिजीजे देखो न्यूरो न्यूरोटिव डिजीजेस टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं yes, उसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि न्यूरो जेनरेटिव डिजीजेज आपके पास कौन कौन सी आ रही हैं फर्स्ट वन इज पार डिजीज ठीक है एल्जाइमस डिजीज देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एम जिसको कहते हैं देन ए इज वट एल एस इज ए माओट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ठीक है सो दीज आर द टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली है सो so, अब इन सब डिजीजेस में कॉमन चीज जो हम लोगों ने देखी है कि इसके अंदर देर विल बी द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी डेफिनेटली डैमेज हो जाएंगे तो डेथ हो जाएगी तो कोई ना कोई पर्टिकुलर ऐसा न्यूरो है जिसकी रिलीज नहीं होगी या जिसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होगी ऐसे ही है ना अच्छा जी अब जी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स देर विल बी दिस विल रिजल्ट इन द डिसऑर्डर्स ऑफ द मूवमेंट इट विल अफेक्ट मूवमेंट साथ ही आपके ऑथर ने एक और वर्ड लिख दिया देर विल बी दी डिसऑर्डर ऑफ कग्निशन क्या वर्ड है कग्निशन कग्निशन ऑलरेडी देखो फिजियो में भी था दिस इज द मेंटल प्रोसेस मेंटल प्रोसेस किस चीज का है अच्छा अब मैं अगर इसको देखूं निमोनिक इसका टी ए एल टॉल जार जे आर इसमें ए नहीं मैंने डाला अब जी आपके पास ये जो वर्ड है कग्निशन कग्निशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर किस चीज़ का है फर्स्ट वन इज द ऑफ थिंकिंग मेंटल डिसऑर्डर किसका है थिंकिंग ना थिंकिंग ठीक है मेंटल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग ए इज फॉर मेंटल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग ए इज़ फॉर अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग

अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एल फोर लर्निंग जे फोर यूजिंग जजमेंट एंड आर फोर रिमेमरिंग सो आप लोगों ने कह दिया जी हम लोग न्यूरोटिव डिजीजेस पढ़ रहे हैं न्यूरोडी जेनेटिव डिजीजेज में देर विल बी द डैमेजिंग ऑफ द न्यूरोन्स देर विल भी डेथ ऑफ न्यूरोन्स अच्छा इस न्यूरोडी जेनरेटिव डिजीजेज में बच्चों क्या होगा देर विल बी द डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट देर विल बी द डिसडर ऑफ कग्निशन कग्निशन आपने देख लिया दिस इज दी मेंटल प्रोसेस ये मेंटल प्रोसेस का डिसऑर्डर आ जाएगा इन दी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस क्लियर अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ बुक में बुक की हेडिंग आ गई ओवर ऑफ दी पार्किसंस डिजीज अब जी पार्किसंस अब हम आ गए आहिस्ता आहिस्ता डिजीजेस की तरफ थोड़ी सी पैथो पढ़ेंगे इसकी और थोड़ी सी बच्चों इसके अंदर एन आएगी जो आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए अदरवाइज आपको ए बिल्कुल भी समझ नहीं सी बिल्कुल समझ नहीं आएगा और फिर हम इसकी ड्रग्स की तरफ आएंगे देखो हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिजीज़ पढ़ेंगे तभी ड्रग्स की भी समझ आएगी ना सो so, जी फर्स्ट डिजीज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ दी पारकिनसनस डिजीज़ पारकिनसन डिजीज़ आपके पास क्या है अगेन जो हम लोगों ने पहले रिवाइज़ किया था दैट इज़ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिस प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है अब इसके सिम्टम्स इसके कार्डिनल साइंस मैंने क्या वर्ड बोला कार्डिनल कार्डिनल का क्या मतलब है वाइटल ठीक है पैथो में ये वर्ड था ना कार्डिनल कितनी दफा रिपीट हुआ था इन्फ्लेमेशन में कार्डिनल साइंस आपके पास कौन से हैं इसके बच्चों कार्डिनल साइंस आपके पास कौन से आ रहे हैं पार्किस डिजीज के द फर्स्ट वन इज दीमर ट्रीमर को उर्दू में सर्च करो ना आएगा झटके ठीक है इन्वोलेंट्री मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है ट्रीमर को आगे भी दोबारा डिफाइन करते हैं फर्स्ट वन इज़ कार्डिनल साइन में आपके पास आ गए ट्रीमर देन यू हैव सेकेंड मस्कुलर रिजिडिटी ज़ाहिर मसल आपके रिजिड हो गए स्टिफनेस आ गई कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई ना मसल्स की देन यू हैव दी ब्रेडिकाइनेसिस ब्रेडी काइनेसिस को इट सेल्फ आपकी बुक के अंदर ऑथर ने डिफाइन कर दिया है स्लोनेस इज इनिशिएटिंग एंड कायरिंग आउट दी वॉलेंटरी मूवमेंट मैं चाह रहा हूँ मैं अपने हाथ को मूव करूँ लेकिन आई एम स्लो या मैं नहीं कर पा रहा सो दिस इज द डिसऑर्डर दैट इज ऑब्जर्व दिस इज दाइन साइन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पार्किस डिजीज और पार्क डिजीज में देर विल बी द पोस्चर एंड गेट ऑफ एबनॉर्मेलिटी पोस्चर पोस्चर कैसा होता है ऐसे नोटिस किया ना जिनको जिनके कॉन्स्टेंट हाथ हिलते रहते हैं पार्किसन डिजीज देखी गई है ना उनमें मूवमेंट भी डिसऑर्डर है तो उसके अंदर उनका पोस्चर कैसा होगा शोल्डर विल बी राउंडेड ऐसे आगे को झुके भी होते हैं नाड हेड दैट इज फॉरवर्डेड लीन हेड ऐसे ही है ना तो ये पोस्चर डिसऑर्डर आ गया गेट मीन्स चाल एबनॉर्मेलिटी इन मूवमेंट अब नॉर्मेलिटी इन वॉकिंग ऐसा नोटिस किया कि बहुत स्लो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते हैं छोटे स्टेप्स लेकर चलने का मतलब है दैट इज शॉर्ट स्ट्राइड एस टी आर आई डी मैंने क्या वर्ड बोला है एस टी आर आई डी अच्छा जहाँ भी ये वर्ड बोल देखो ना अपने कॉलेजी में या पैथोलॉजी में लिखा हुआ शॉर्ट एंड स्ट्राइड मीन रेफर्स टू द शॉर्ट स्टेप्स ठीक है तो मूवमेंट एबनॉर्मैलिटी गेट एबनॉमेलिटी इधर ऑथर ने क्या कह दिया कि स्लोनेस इन मूवमेंट सेकेंड इज दी शॉर्ट एंड स्ट्राइड शॉर्ट एंड स्ट्राइड अच्छा और पोस्चर में राउंडेड शोल्डर लीन बॉडी आपको ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर ब्रेडी काइंडनेसिस ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों ब्रेडी काइंडस ऑलरेडी ऑथर ने बता दिया स्लोनेस इन इनिशिएटिंग एंड कैरिंग आउट दी ट्री मूवमेंट सो अब मुझे बताओ स्लाइड को देख के बुक को देख के मुझे बताओ कौन कौन सा आपके पास कार्डिनल साइंस आ रहे हैं डिजीज के फर्स्ट वन इज ट्रेमर्स मस्कुलर रिजिडिटी पोस्टर एंड गेट एब बच्चों इसमें वर्ड आ गया ट्रीमर ट्रीमर को आप कैसे डिफाइन करोगे ट्रीमर ट्रीमरस के देखो इधर ब्लू बॉक्स में डेफिनेशन भी है द द्रीमर ट्रीमर इज एन इन्वोलेंट्री ऐसे देखते हैं कॉन्सेंट एक रिदम के साथ मूवमेंट आ रही है इट इज़ एन इन्वोलेंट्री रिदमिक मसल कंट्रेक्शन मूवमेंट आ कैसे रही है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी बोन्स के ऊपर मसल्स कनेक्टेड हैं मसल्स कंटनेक्ट कंट्रैक्ट किए तो बोन्स मूव की ना ठीक है सो देर विल बी द इन्वोलेंट्री रिदमिक मसल कॉन्टरैक्शन दैट इज लीडिंग टू द शेकिंग मूवमेंट शेकिंग मूवमेंट यूजअली कहाँ देखी गई है दैट इज ऑब्जर्व इन दी हैंड्स बट इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द आर्म्स हैड एंड द लेग्स ठीक है अच्छा जी अब जी मस्कुलर रिजिडिटी मस्कुलर रिजिडिटी के मल्टीपल टाइम्स आपने फार्माकॉलोजी में भी नाम पढ़े कि इट इज ऑल्सो नोन एज द इनक्रीज मसल टेंशन ठीक है दिस इज रिगर दिस इज स्टिफनेस अब ये स्टिफनेस आई क्यों बिकॉज आपके मसल्स अब रिलैक्सड नहीं रहे हैं देयर आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट या पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड हैं जिसकी वजह से आपके मसल स्टिफनेस आ गई है बिकॉज ऑफ दिस मसल स्टिफनेस देर विल बी द डिफिकल्टी इन मूवमेंट एज वेल क्लियर सो जी हम लोगों ने यहाँ तक इंक्लूड कर लिया पार्किसन डिजीज़ आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कार्डिनल साइंस आपके पास हैं ट्रीमर मस्कुलर रिजिडिटी ब्रेडिकाए नेजिया पोस्चरल एंड द गेट एबनॉर्मेलिटीज केयर ये चीज़ें आपका ओथन ने लिख दी अब आपको ओथन आप ने कहा आप लोगों ने यूजअली ऑब्जर्व भी किया हो ये जो डिज़ीज़ है एजड लोगों में ज़्यादा देखी गई है ना सो दिस इज़ ऑब्जर्वड के जी दिस इज़ कॉमन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी फाइव अब जी इसमें हर सौ में से एक बंदे को ये डिजीज़ है ठीक है वन हंड्रड आउट ऑफ वन आउट ऑफ हंड्रेड इज सफरिंग फ्राम द डिज़ीज़ ंग देशेंटस हु आर ऑफ एज सिक्सटी फाइव अब जो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटियोलॉजी जो आपकी बुक के अंदर मैंशन है एटियालॉजी का क्या मतलब है कॉज कॉज ऑफ द डिजीज़ सो जी आपके डिजीज़ की कॉज क्या है द फर्स्ट इज आपके ऑथर ने लिख दिया दॉन देर इज़ अन नॉन कॉज बट दिस इज़ नॉट द रीज़न हमने ट्रीटमेंट करनी है ना तो भैया हम लोगों को कोई ना कोई रीज़न निकालनी पड़ेगी ताकि उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम लोग मैनेज करें ट्रीट करें और पेशेंट रिलैक्स फील करें ठीक है सो जी आपके फिर भी जो रिसर्च की उससे पता चला था, आपके बुक्स के अंदर मैंशन है इन द डिज़ीज़ पार्किसनस डिज़ीज़ में क्या होगा दे विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरोन्स डोपामीन रिलीज़ करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपने कहा कि हेयर इन दिंग एस योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली द न्यूरो मॉड्यूलेटर्स इट मीन्स हम लोग पारकेंसन से डिजीज पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू इंटर रिलेट डोपामीन गाबा एंड एसीटाइल कोलिन ठीक है इन तीनों का को कोई कनेक्शन है कोई साइकिल है जिसको मैंने कंट्रोल करना है ताकि जी मूवमेंट कंट्रोल हो सके बच्चों अब जी आपके ऑथर ने लिख दिया इधर कि अभी अपने जहन में फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए ये बात याद रख लो कि पार्किसेंस डिजीज में आपके जो डोपामीन रिलीजिंग न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स कह रहे हैं वो डैमेज हो जाएंगे वो डैमेज हो गए तो क्या डोपामीन की प्रोडक्शन कम होगी कि ज़्यादा कम, कम होगी हो 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 ठीक है सो देर विल बी द रिडक्शन ऑफ द डोपामीन न्यूरोन्स अच्छा अब जी ये डोपामीन बेसिकली एक्शन कर कहाँ पे रहा था आपके ऑथर ने इधर जी मेंशन कर दिया देखो लिखा है एक्शन एक्शन इज इन कॉर्पस स्ट्राइटम अच्छा आपके ऑथर ने कहा कि आपका ये जो डोपामीन न्यूरॉन था दैट वाज एक्टिंग इन कॉर्पस स्ट्राइटम दैट इज आगे कोमा में उसने लिख दिया पार्ट ऑफ बेजल गेंगलिया दैट इज पार्ट ऑफ बेजल गैंगिया अब जी पूरी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं अब जी ऑथर ने क्या लिखा है इधर पार्किसन डिजीज द डिजीज इज को रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपा माई एनर्जिक न्यूरोन्स डोपा माई एनर्जिक न्यूरोन्स डैमेज कहाँ पर हुए इन दब्सटेंशिया नाइगरा सबस्टेंशिया अच्छा, नाइग्रा के डोपामीन डैमेज हो गए विद अच्छा डोपामाइनर्जिक न्यूरोन इज सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉन्स्टिक्वेंट डिडक्शन ऑफ द डोपामीन एक्शन इन कॉर्पस स्ट्राइटम यहाँ के यहाँ के जो आपके पास डोपामीन के न्यूरोन्स थे सबस्टेंशिया नाइग्रा के ये डैमेज हुए यहाँ के न्यूरॉन्स अपने एक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहे थे कॉर्पस और, और स्ट्राई एटम पे आगे ऑथर ने लिख दिया कॉमा पार्ट्स ये जो दोनों हैं नाइग्रा और स्ट्राई एटम दीज आर एक्चुअली दी पार्ट्स ऑफ दी बेजल गैंगलिया अच्छा दैट आर इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल ये जो दोनों पार्ट्स हैं जो विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ दी बेजल गैंग्रिया बेजल गैंगलिया इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर मोटर योर इज कंट्रोलिंग योर मूवमेंट मोटर कंट्रोल कर रहे हैं मोटर कंट्रोल को कैसे डिफाइन करते हो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग ग्रेडिंग डायरेक्टिंग द मूवमेंट मोटर कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग डायरेक्टिंग एंड ग्रेडिंग वेरी गुड द द वॉलट्री मूवमेंट ठीक है अब जी बेजल गैंगिया के इन दोनों जगह पे जी डिफेक्ट कोई आ गया डिफेक्ट किस लिए आया है कि ये जो आपके पास जो नाइगरा था वहां के डोपामी न्यूरोन डैमेज हुए यहाँ के जो न्यूरोन्स थे वो डोपामी ने रिलीज कर रहे थे किसके ऊपर जाकर कॉर्पस स्ट्राइटम पे कॉर्पस स्ट्राइटम नाइग्रा इज पार्ट ऑफ द बेजल गैंगिया क्लियर चो सबसे पहले वाली स्लाइड के ऊपर वापस आओ अपनी बुक की इटियोलॉजी की स्लाइड पे इसमें ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वर्ड बट कार्प्राइटम ठीक है अब दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ऑर्थर कह डिजीजीटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामाइनर्जिक इन न्यूरो नाइग्रा सब्सटेंशिया नाइग्रा के डैमेज हो गए ये सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरो वर प्रोड्यूसिंग देयर एक्शन ऑन ऑन कॉर्पस कॉर्पस क्लियर हो गया ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं ऑर्थन ने कहा ये तीनों रीजन पे जो आपके में, की रिलीज है एक्शन है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड देखो इस डायग्राम में आपको नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ पर्पल कलर से आपको

पहली डस में, दस डे फिर तीनों को कलेक्टिवली मैं क्या कहूंगी कॉर्पस स्ट्राइटम क्लियर है बच्चों यहां तक अच्छा जी अब ये जो पाथवे ये जो पर्पल कलर की लाइंस आपको समझाने के लिए डाली गई है दीज आर एक्चुअली दाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे वॉट इज नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे जी ये पाथवे इफेक्ट हो गया किसके अंदर पार्किस डिजीज के अंदर क्लियर है बच्चों यहां तक साइड की सेकंड लास्ट पिक्चर पे देखो यहां पे आपको दिखाया गया सबस्टेंशन को क्रॉस किया हुआ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि रॉन्स इन सब आर गेटिंग दे आर डी ठीक है अब नेक्स्ट में आओ एंड पे ये वो डायग्राम है जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़नी है इस डायग्राम के ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर करो सबसे ऊपर येलो कलर में कौन सा पार्ट दिखाया गया है नियोस्ट्राइटम एक्चुअली है क्या था दैट वॉज कम्पोज ऑफ सी और पी दैट इज कार्डेट एंड प्यूटेम अच्छा अब यहाँ से कुछ जी अब अगर खाली ये पार्ट दिखाया गया है तो ऑथर ने इसको यहाँ पे किसको इग्नोर कर दिया है पैलेडस को इग्नोर कर दिया ना हम लोगों ने बच्चों आर्टिकल्स पढ़े वहाँ हमें ज़्यादा रीजंस क्या मिल रही हैं ये जो पार्किसन सा डिजीज है उसमें अफेक्ट हो रहा है ठीक है इक उसमें न्योस्ट्राइटम इफेक्टो है पहली डेस्ट का अक्सर लोगों ने जिक्र ही नहीं किया हुआ ठीक है आप वो उसको भी लिखो कॉर्पस स्ट्राइटम लिख दो या न्योस्ट्राइटम लिख, 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 लिख दो बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट ठीक है ज्यादा एविडेंस अबाउट दी न्योस्ट्राइटम सो ओथर ने देखो टेक्स्ट में तो लिख दिया उसको डायग्राम इसकी शो की हुई है अब इसमें देखो न्योस्ट्राइटम और उसके ऑपोजिट क्या दिखाया है ना नागरा। नागरा। ये ना? यहां से न्यूरॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं से पे पे। जा रहे हैं? हैं? आपको अच्छा डोप माइनजिक न्यूरोन और गाबा वाले कहाँ पर आ रहे हैं सबस्टेंशन नागरा पे तो इधर ऑपोजिट हो गया ना मैंने क्या बताया था कि इनपुट कौन दे रहा है डो सबसेंशन नाइग्रा का कौन सा पार्ट दे रहा है आउटपुट दे रहा है कॉम्पेक्टा वाला देखो इधर जा रहा है इनपुट जा रहे है और आउटपुट लेकर कौन आ रहा है रेटिकुलेटा ये हम बात कर रहे हैं जो हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस करना अच्छा इन दोनों के दरमियान एक चीज और गौर करने वाली है ग्रीन कलर ग्रीन कलर इधर पता है कौन से न्यूरॉन्स को शो कर रहा है एसीडेलकोलिन रिलीजिंग ठीक है ऐसा लग रहा है कि ये कोई साइकिल डिस्टर्ब होगा फिर एक पार डिजीज होगी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वाई द न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर मॉड्यूलेटर्स ठीक है जबकि वो एनएस एन कितना सिंपल सा था अब यहाँ एक पूरे पूरे साइकिल्स बन रहे हैं इसके अंदर सो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैंने नहीं बताना आप लोगों ने मुझे बताना है बाई डोपामीन इज इनहिबिटरी बाय दिस इज एक्साइटेटरी इधर डोपामीन देखो रेड कलर में दिखाया गया है ना यानी कि कोई तो रीज़न है ना रेड कलर हम लोग अपनी बुक में कब यूज़ करते हैं इनिबिशंस के लिए यूज़ करते हैं तब आप लोगों ने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना ठीक है, है